हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हम डूंगरपुर जिले में खड़े हैं, वांडरवेट। वांडरवेट में हमारे बीच एक वागड़ी के कवि हमारे बीच है, जो अपनी कविता से लोगों को मन खुश कर देते हैं। आज हमको एकता समाचार के माध्यम से इनसे रूबरू होने का एक मौका मिला है, जो कम पढ़े लिखे हैं मगर अपनी वागड़ी कविता से लोगों का मन जीता है इन्होंने। आज हम आपको एकता समाचार के माध्यम से ले चलते हैं वांडरवेट, जो तहसील गलियाकोट में आता है और डूंगरपुर ज़िले में आता है। डूंगरपुर ज़िले की ये निवासी है, जो प्रख्यात इनका नाम है। हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। ये हमें अपनी रचना, वागड़ी की रचना अपने सामने पेश करेंगे, हिंदी की रचना भी अपने सामने पेश करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर ज़िले के वांडरवेट। हरिशंकर जी व्यास जो इनका नाम है, इनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। एकता, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। जनमान्यगण, मैं आपके सामने राजस्थान डूंगरपुर सागवाड़ा तहसील गलियाकोट वांडरवेट का रहने वाला हूँ। आपके सामने कुछ एकता के माध्यम से चंद मैरिज द्वारा जो बनाई हुई पंक्तियों हैं, वो जो वागड़ी में हैं, जो हिंदी में, उसको मैं पेश करूंगा। सम्मानीय, आप सब सुनेंगे और जो कुछ है आपसे अंदर की भावों के से मेरे को मत करेंगे। नवो नवादो खेलूड़ो आना आंगन कई उबोए, ताजा बोदा मौका गज्जन आखे लूड़ो के वो है। पानो तोड़ी न मोड़े देखो के वो यार कसोबो है। अरे व्यास कवि तो आना स्टेज मत पहलो पहलो उबो है, भाई पहलो रे पहलो उबो है। हरिशंकर व्यास मारो नाम है, ने मु आपके सामने आ कविता पेश करी जाऊँ। मारे द्वारा ये बंद अंदर दा भाव की जो उत्पन्न थी कविता है, यो आपने सामने पेश कर जाऊं। आप सबनो स्वागत करो। पुष्पमाला में पिरोया पूर्वजों का हर चमन, पुष्पमाला में पिरोया पूर्वजों का हर चमन। वक्त पर माली उसे आकर उठाकर ले गया, वक्त पर माली उसे आकर उठाकर ले गया। वक्त पर ही याद आते इस देश हित अर्पण हुए, वक्त पर ही याद आते समाज हित अर्पण हुए। ये वक्त पर ही याद होते परिवार हित अर्पण हुए। ये वक्त की है मेहरबानी कि आपके दर्शन हुए, ये वक्त की है मेहरबानी कि आपके दर्शन हुए। और मारा वागड़ना भाई, मारा प्रेमी वागड़ना भाई, सम्मानीय मंच ने लेने आपने द्वारा मारा उद्गार हमला भी जो तो कहूँ के मारी पहली पहली कविता आना वागड़ में, मैं पहली पहली कविता लकी वागड़ी में लकी। अपनी वागड़ी भाषा को कम नहीं एना मैं भाव शुद्धिकरण करो तो कितना भाव ने रे अपनी वागड़ी भाषा में। पहली कविता मीठी कैरियो ना रकड़ता गोटा, बाप के टावे डाया हुए बाकी बेटा रकड़ता थी जाए। क्या झमेला में बैठा ने कोई रकड़ता रकड़ता आवे आज अपना गोटा रकड़ता रकड़ता आवी जाए एम कह आप उत्पन्न मारे में भोजन बनावानो तो कैरियर उठली थी, कैरियर ने दीकरी ने गोटा वाई दी देता। इन्हें दीकरी ने मारा भाव उत्पन्न छा के लगन लेवा तो आईवा है, पर आ गोटे ने वाई दी जाए थी मारा भाव उत्पन्न छा। पहला पहला मारी भाव ने मन में थी निरी जो के मेटी कैरियर ना रकड़ता गोटा। हामल दू कविता हामलवा लाए गए, अपनी जिंदगी में उतारवा लाए गए, अपना मन ने हमजब्बा लाए गया कविता। हमें मस्त झूलता था आबानी डाली, गोटा कही जा थकाए कि हमें मस्त झूलता था आबानी डाले। हमें किने नता नड़ावे लोके वाड़ी,
आमे प्रकृति ना आजात का तो रखवाली आंबा तले होता, आमे प्रकृति ना आजात का तो रखवाली आंबा तले होता, मोटे गिरे जा पामना ने करम वगैरह ना थज्जा रोता, कह तो खोने के उकड़ा मिट्टी के लिए ना रकड़ता गोटा, क्या तो खोड़े के उकड़े अमेठी केरिये ना रकड़ता गोटा। आमे केरिये लावी ने नाक तो के नाक मेरा माते नाक, आमे अपन नाक मेरा माते नाक, आमे मेरा माते होता ने उंदरो हमारे माते परिन करी जारे उंदरो અમારે માતા ફરીને કરી જ્યારે આવી તેરે ને સૌદે ને પૂનમિયા પીળા પીળા પાછા ને ધરાક દઈએ તપીલા મિલાચા, આવી તેરે સૌદે ને પૂનમિયા પીળા પીળા પાછા ને ધરાક દઈએ તપીલા મિલાચા। એ ભાઈ પેલો રો કાઢ નાખો ને પેલી કેરીએ તો વગડી જાય ને, એ રો કાઢો કે પેલી કેરીએ તો આપણે વગડી ગઈ, કેટલા પાકી ગઈ ને તપીલા મિલાચા। એ ભાઈ આમે ઉપર હોતા ને લગ્નિયા ખાટલ માતા હોતા, આમે ઉપર હોતા ને લગ્નિયા ખાટલ માતા હોતા, મોટે ઘેરે જા પામડા ને કરમ વગરના થજ્જા રોતા, કે તો ખૂણે કે ઉકડે આ મીઠી કેરીએ ના રકડતા ગોટા। રોકાડીને કહેવાય દો ખાલામી કે ઉકડા મે જાય કે ગોટા, આમે હોતા રસ્તા મેં ને માતા ગાડે ગગડે, આમે હુતા રસ્તા મેં ને માતે ગાડે ગગડી, અરે પાડા પાડા લડાઈ ને અમને પોકતાળે સગરી, પાડા પાડા લડાઈ ને અમને પોકતાળે સગરી। એ ભાઈ પહેલ તો જીબી સાટ્યા, પહેલ તો જીપ થકી સાટ્યા ને ઉપર થકી ઝીચા પોગના અંગૂઠા, મોટે ગીરે જા પામડા ને કરમ વગર ના થજ્જા રોતા, કે તો ખૂણે કે ઉકડ્યા મીઠી કેરીએ ના રકડતા ગૂઠા। જમવા બેઠા જમવા બેઠા, ઈદો ને ગીધો ભૂખ લાગી તી હોય રો ગ્લાસ ભરી, એ ભાઈ મને આ વાત કોઈ દીખાવો તમારી ગોરમી કહીએ પાઈ દો ને મને એકાદો ગ્લાસ રો। જમવા બેઠા ઈદો ને ગીધો ભૂખ લાગી તી હોય રો ગ્લાસ ભરીને પીધો, પસાર ઘાસીઓ ના બળદ નાખી દીધો, કોટા કાઢીને પાઈ દીધા। એ ભાઈ બરાબર કાઢ્યું ને તો કેમ મેં રો રહી જાય, એ ભાઈ બસોળી બસોળી ને કલર વગર ના કહી ના ચા ઠોટા, મોટે ઘેરે જા પામણા ને કરમ વગર ના થજ્જા રોતા, કે તો ખૂણે કે ઉકડે આ મીઠી કેરીઓ ના રકડતા ગોટા। આનો ભાવ હોય આપણું શરીર રામરસ ને રામરસ નું બની શકું હોય, આપણું શરીર આમરસ ને રામરસ નું બન્યું હોય। એ ભાઈ એ ભાઈ એ ભાઈ ખારો ઉતર્યો ઉતરી બોલે આમે જોતા, એ ભાઈ એવું એવી વાત હૈ કે ખારો ઉતર્યો ત્રીસ બોલે આમે જોતા, ને પછી પાંચ બામણ આલી પાંચ વૈદ્યાલી કેરીએ તે વાટી દીધી, ખારો ઉતર્યો તે બોલે તેની વડે આમે જોતા, ને પછી મોટે ઘેરે જા પામડા ને કરમ વગર ના સજ્જા રોતા, કે તો ખોડે કે ઉકડે આ મીઠી કેરીએ ના રકડતા ખોટા, કે મીઠી કેરીએ ના કરતા। આ કહી દે હું અમારું સ્થાન વિસ્તારમાં લઉં, મારે શબ્દને વિરામ આલું આપને। હરિશંકરજી, એકતા સમાચાર કે માધ્યમ સે ક્યા મેસેજ દેના ચાહતે હો હમારે વાગડવાસીઓ કો? એકતા સમાચાર કે માધ્યમ સે આપ સબકો એ જણાતા કે શરીર મનુષ્ય કા મિલા હૈ, મન હૈ ચિત હૈ યોગ હૈ કર્મ હૈ સાધના હૈ, સબ મનુષ્ય કે પાસ હોતા હૈ, સિર્ફ ભાવો કી કમી હોતી હૈ, અપને અંદર મે જો ભાવ હૈ વો ભાવો કી કમી હોતી હૈ। એસે ભાવો કો લેકર કે મે જહાં પે ખડા હું જિસ સ્થાન મે હું મે નીલકંઠ સ્થાન મે ખડા હું। ये वांद्रेवेर का हमारे वागड़ का सुप्रसिद्ध स्थान है नीलकंठ, और ऐसे स्थान में कह रहा हूं हर जोखा तुफा नहीं होता है, हर इंसान फरिश्ता नहीं होता है, पत्थर में भगवान होता है, हर पत्थर भगवान नहीं होता है। मैं ऐसे स्थान पे खड़ा हूं, सभी शिव नहीं होते, परमात्मा प्रकट होते हैं, परमात्मा तो स्वयं प्रकट होते हैं, भूलिंग स्वयं भूलिंग भूमि से प्रकट होते हैं, किसी के सपने में आते हैं ऐसे ही सपने में आए हैं। और यहाँ पे गाय आती थी और गाय जैसा दुहन होती है होता ही ऑटोमेटिक दुहन होता था, काम देनु गाय थी, ये दुहन हुआ है और यहाँ पे प्रकट हुए परमात्मा, और ये ब्राह्मण में वाग्वेर के एक ब्राह्मण के सपने में आए, और ये कम से कम 700-800 वर्ष पहले ये जो मंदिर बनाया है, यहाँ ये शिव मंदिर बनाया है, इस शिव मंदिर में अपन लोग खड़े हैं और शिव मंदिर में बैठ कर ये क्यों, ये शिव क्या है,
हम समझे, हम जाने और हम माने शिव क्या है। इस शरीर आया है तो एक दिन मृत्यु में तिरान्यम पंथा विदते अनाय, मृत्यु का पंथ जीव को मिलने वाला वह शिव से आके मिलो। ऐसे शिव से आके मिलो जो जहाँ जीव का संबंध शिव से है, शिव का संबंध जीव से है, ऐसे शिव से आके मिलो। यहाँ पे आओ, सात वस्तु का वास है यहाँ पर, त्रिवेणी संगम है, माही नदी सोम जाखम को लेकर के आ रही है, मोरण का संगम हुआ है, एक इधर नीचे गुप्त नदी है उसका नाम कुंवारी कुंड है, ये त्रिवेणी संगम में या परमात्मा प्रकट हुए हैं। सात वस्तु का यहाँ पे वास है, जहाँ पे शिव का वास होता है वहाँ सात वस्तु का वास है। ये भारत में मुख्य स्थान है, यहाँ सात वस्तु का, पांच वस्तुएं मिलेंगी, तीन वस्तुएं, चार मिलेगी, छह मिलेगी, सात नहीं मिलेंगी। स्मशान भूमि है, स्मशानेश्वर क्रीड़ा, चारों बाजू पानी है, जलधि वलयम तेन कृतमी। देखो शास्त्र के अनुसार शिव का मंदिर, शिव का निर्माण, और यहाँ अग्नि होती है वह शिव होता है, जहाँ शिव होता है वह आहुति होती है, वह यज्ञ होते है। यहाँ अग्नि है, धुनी है, अखंड धुनी है, यहाँ पर जहाँ शिव होता है वह बिली के झाड़ होते, त्रिजल बिली के, ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिजल बिली के झाड़ होते हैं, यहाँ असंख्य बिली के झाड़ हैं। सामने ही है वहां पे पांच पत्ते वाला भी है, तीन पत्ते वाला भी है, और उसके आगे था वो नष्ट कर दिया है उसको, वो भी स्वयं नष्ट हो गया। सात पत्ते वाला था, नौ पत्ते वाला, ग्यारह पत्ते वाला भी था। ये ऐसी शिव भूमि है, ये शिव भूमि है, यहाँ अवगर का वास है। जिन लोगों को मिला वो दंड दंड और हम कृतकृत हो गया, उन्होंने कहा तो जिसकी जटा बहुत बहुत बड़ी जटा को लेकर के वो अवगर का पंथ है, वो पूर्णिमा के दिन निकलता है। यहाँ पर नाग का वास है, बहुत बड़ा लंबा नाग, पंद्रह फुट, कम से कम दस पंद्रह फुट, मैंने स्वयं ने देखा है उस नाग को, तो उसकी कृपा है उसको, उसको तो मैंने भी देखा है, इधर मैं भी कहाँ फूटा था उस नाग को देखे, जिसके पांच उसके फूंड है, उसको देख करके बहुत लंबा नाग रहता है। ये शिव भूमि है, ये विष्णु भूमि है, यहाँ पे बढ़ के झाड़ है, ये शिव भूमि है, कृष्ण भूमि है, यहाँ पर गायों का वास है, सातों वस्तुओं का वास है। आप आके आके देखोगे, सुनो मेरे रत्ना, त्रिवेणी संगमों में सार होता है, त्रिवेणी संगमों में सार होता है, रवि के वास में हर आत्मा दीदार होता है। अंधेरा होता है तो कुछ दिखता नहीं है, रवि के भास में हर आत्मा दीदार होता है, रवि पर हर बदन है, शिव का श्रृंगार होता है, मृत्यु होती है जलते मुर्दे, वतन में हर बदन है, शिव का श्रृंगार होता है। ए दोस्तों, मरगट मौत पर है, हर बदन अंगार होता है, वतन में मौत पर है, हर बदन अंगार होता है। ऐसे शिव भूमि में, ऐसे शिव भूमि पे अपन खड़े हैं, अब शिव किसको मिलेंगे, सुनो मेरी रत्ना, सुनो शिव किसको मिलेंगे। अपन बोले नहीं है, अपन तो बहुत शाणे, एक चुटकी मारेगा तो अपन दो चपत मार देंगे। अपन उनको कैसे मिले, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को, उस नारायण को, उस तत्व को, अपन उस वेद पुरुष को अपन कैसे मिले। अमता भरा बदन है, सुन लेना जरा ध्यान से सुन लेना और गौर करना आप मेरे शब्दों के पर। अहमता भरा बदन है, ममता भरा बदन है, अहमता भरा बदन है, ममता भरा बदन है, भोला नहीं बदन तो तुमको मिलूं मैं कैसे। अरे भोला नहीं बदन तो तुमको मिलूं मैं कैसे। राम भी बदन है और कृष्ण भी बदन है, राम भी बदन है और कृष्ण भी बदन है। जब प्रेम नहीं बदन में तो तुमको मिलो मैं कैसे, जब प्रेम नहीं बदन में तो तुमको मिलो मैं कैसे। शक्ति भरा बदन है, बिना ने मारा मारिए खाइयो मारी आओ। शक्ति भरा बदन है, भक्ति भरा बदन है, राम 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 बोलो ने काम, शाम शाम बोलो ने हरिओम हरिओम बोलो। शक्ति भरा बदन है, भक्ति भरा बदन है, जब भाव नहीं बदन में तो तुमको मिलो मैं कैसे, जब भाव नहीं बदन में तो तुमको मिलो मैं कैसे। पारस बनेगी अग्नि, पारस बनेगी अग्नि, आराधना हो ईर्षन,
पारस बनेगी अग्नि, आराधना हो इर्जन, लोहा बनेगा कंचन, तुमको मिलो मैं ऐसे, अरे तुमको मिलो मैं ऐसे, तुमको मिलो मैं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छा। सम्मानीय, आदरणीय, माननीय समस्त मेरा भारत मंच, मैं आप सबके सामने एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो आप सुनेंगे। एक व्यक्ति की बात करता हूं, उनके व्यक्तित्व की बात करता हूं, जो मोदी जी की बात करता हूं मैं। एक व्यक्ति की बात करता हूं, उनके अंदर छिपा हुआ जो व्यक्तित्व है उनकी बात करता हूं, अपने मोदी जी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बात करता हूं। उनके ऊपर कुछ रचना की है मैंने, उनके व्यक्तित्व को लेकर के आप सुनेंगे, मानेंगे, फिर जानेंगे। सम्मानीय, माननीय, आदरणीय, किस कर मेहंदी जब लगती है लाली माँ पीछे आती है, किस कर मेहंदी जब लगती है लाली माँ पीछे आती है, मर्दानी पीछे नहीं रहती खुली छाती कर देती है, मर्दानी पीछे नहीं रहती खुली छाती कर देती है। मालूम नहीं था दुनिया को वो आसमान को छू लेंगे, मालूम नहीं था दुनिया को वो आसमान को छू लेंगे। एक चाय बनाने वाले के टेवर कितने ऊंचे होंगे, एक चाय बनाने वाले के टेवर कितने ऊंचे होंगे। बाबा, इन शब्दों को लेकर के मैं कह रहा हूँ, मानवता का चोला पहने मोदी जी की बात, मानवता का चोला पहने भारत धरा धर्म बतलाते हैं, आदर्श पुरुष की छवि छान कर सबके सामने लाते हैं, आदर्श सबके सामने लाते हैं। कुछ पुरुष गजब के है दुनिया में, कुछ पुरुष गजब है दुनिया में, मन की बातें बतलाते हैं, कुछ पुरुष गजब है दुनिया में, मन की बातें बतलाते हैं। मोदी जी उनमें सिर्फ एक है जो विवेक बतलाते हैं। ये विवेक बहुत बड़ा शब्द है, शक्तिपाठ में लास्ट में विवेक लिखा है, ये विवेक बहुत बड़ा शब्द है जो विवेक बतलाते हैं। धर्म यही है, कर्म यही है, मानवता का मर्म यही, धर्म यही है, कर्म यही है, मानवता का मर्म यही, मर्यादा नहीं तो क्या जीना जन जन को वो बतलाते हैं, मर्यादा नहीं तो क्या जीना जन जन को वो बतलाते हैं, वो बता दे। इन शब्दों को लेकर के आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मेहमानी को विराम देता हूँ। आपका बहुत आभार। बड़े भाग्य मानुष तन पायो, मानवता का जन्म हुआ बड़े भाग्य का योग, आप सबका दर्शन करूं ये नदी नाव संजोग, आप सबका दर्शन करूं ये नदी नाव, नाव में तो खड़ा हूं मैं और मेरे पीछे नदी है माही। अरे वाह वाह, इतना बड़ा नदी नाव संजोग, नदी नाव संजोग। आनी दुनिया में जन्मा अपूर सब, पर सबने लई ने फरवो तो घणो काटो भाई, दुनिया में कोई काटो नहीं, सब सरल है, सबने हाथी लई ने फरवो तो घणो काटो, दुनिया में कोई काटो नहीं, सब सरल है, पर सबने हाथी लई ने फरवो तो घणो काटो, केम के हामा वाला सब दोस्त नहीं एकादो दुश्मन है, केम के हामा वाला सब दोस्त नहीं एकादो दुश्मन है, इन हामो मातो नमाबो तो घणो काटो, आ खुड़िया ने अहंकार भरो खुड़ियो है, इन हामे मातो नमाबो तो घणो काटो, वनन भूत मन ने खाई जातो तो तमे एकला वो तो, वनन एकला ने जिब्बो हरती जिब्बो है पृथ्वी में तो कोई बनमी नहीं होतो, वनना भूत मन ने खाई जातो जो तमे एकला वो तो, आनी दुनिया में जिब्बो घणो काटो, वनना भूत मन ने खाई जातो जो तमे एकला वो तो, आनी दुनिया में एकला ने जिब्बो घणो काटो। ए भाई, ये तो मर्या पुटी नी बात है, ए भाई ये तो मर्या पुटी नी बात है, आना खोड़िया ने हमला बो घणो काटो, ये तो मर्या पुटी नी बात है, ऊपर जावो तो पहला ना खोड़िया ने हम जाबो घणो काटो। ए भाई, अजार मोड़ बोले, अजार मोड़ बोले तो केनो हमला ने केनो रवा दो,
ए भाई अदाल मोड़े बोले केनू हामलन केनू रन आ बे भाई विछड़े ने हुए ने पसे खाटू करबो तो गणो काटू सबके सामने मनोरंजन नहीं हुआ। कविता तो होगी लेकिन मनोरंजन नहीं हुआ। आपको मनोरंजन के लिए एक चुटकुला बोल देता हूँ जो आपने वागड़ी में बोलो तो तुम इस ध्यान की हमलजू। ए भाई एक बात नहीं बे बात है थाई पेलो वात पेला नहीं करे बात है के बगड़ी जाए। एक बात नहीं बे बात है थाई। ए भाई एक बात नहीं बे बात है थाई पीली वाट में जा पसंद दिल्ली जाती रे। एक बात नहीं बे बात है थाई। ए भाई कितने जान रखो तो नजर अपनी जाती रहे कितने जान के बाकी बाटाना संभल तो हटे थाई बाटाना संभल तो हटे थाई। बहुत बड़ा धन्यवाद।